My name is Ejaz Ahmad Qadri. I'm from Quetta. My basic schooling and college are both in Quetta. उसके बाद यूटी लाहौर में आ गया आर्किटेक्ट कंप्लीट करने के लिए और आर्किटेक्ट पढ़ते हुए मुझे चांस मिला नईरी दादा साहब के साथ काम करने का शौकत मदरा साहब के साथ काम करने का अहमद मुख्तार साहब के साथ काम करने का अमजद साहब के साथ काम करने का और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेटा वापस चला गया तकरीबन दो साल मैंने जॉब की और दो साल के बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू कर दिया इट्स बैक इन 1996 सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 22 ईयर्स नाउ Started from Quetta with a small office. And now, Alhamdulillah, we have offices in Quetta, Karachi, Islamabad and Lahore. And we are working on very multi-dimensional and different scale projects. Our biggest project is urban design, that is Gawadar Master Plan. After independence, Pakistan has two cities designed, Islamabad and Gawadar. So, Gawadar ka Master Plan we have done. And it was a good moment for us. Banks हम कर रहे हैं, we are doing credit colleges, घर भी of course करते हैं, infrastructure और engineering के projects भी कर रहे हैं, हमारे पास तकरीबन सब range का projects इस वक्त पाकिस्तान में available हैं, उसके अलावा हमने दुबई में, अफगानिस्तान में और ईरान में भी काम किया, so it's a journey of like 25 years, अल्हम्दुलिल्लाह और चीजें चल रही हैं, looking forward for another 25 years or more inshallah, let's go जी आपको घर का tour देते हैं, पूरा घर detail में दिखाते हैं Banjaiga House 9. We are at the residence of Sohail and Sarwat, and I am the architect for the project, Ejaz Ahmad Qadri from Qadri Associates. Start karlenge hum project start kaise hoga? I think sari achhe projects hain. They start with a very good client. Aur mere paas fortunately bahut achhe client the Sohail and Sarwat ke form. Start with the history of the project. First facts received by the client, dimensions ke saath hai. Requirements by the client, इसकी refinement, कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, initial sketches, pool को center में रखा था, because client के requirement थी कि ये हमारा main activity area होगा, and this should be visible from all over the house. ये landscape details हैं, कौन से trees कहाँ लगने हैं, for example यहाँ पे रफ sketch देखे, तो फिर इस concrete के सामने कचनार के tree रखा गया ताकि flowering season में pink और purple color के flower देगा. और ये वाटर पॉम्प की लाइन है जो कॉम्प्लीमेंट करेगी तमाम कॉलम्स को जो स्ट्रेट वर्टिकल है वो आउटसाइड और हम शुरू करते हैं बाहर मेंटेनेंस नाउ लेट्स टेक अ ट्रिप ऑफ द हाउस इस वक्त हम घर के पोर्च में हैं बिल्कुल सामने सस्पेंडेड पोर्च है विच इज अ स्टील स्ट्रक्चर अलोंग विद द बोर्ड मेन एंट्री फेसिंग द सन लेफ्ट एरिया हमारा मेन लॉन है और अंदर जो बात अभी हम कर रहे थे कि ग्रे स्टोन के सामने पिंक फ्लावर की तो आप यहाँ देख सकते हैं बैकड्रॉप ऑफ स्प्लिट ब्लॉक विच इज़ इन ग्रे यू कैन सी द ट्री हियर जो मार्च में जब ब्लॉसम करेगा तो इंशाल्लाह विल हैव पिंक एंड पर्पल फ्लावर्स विद द बैकड्रॉप ऑफ ग्रे वर्टिकल सारे कॉलम्स हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक लाइन वर्टिकल बॉटल पाम्स की अब आपको मैं घर की तरफ लेके चलता हूँ This is the main entry of the house, wooden, African teak, double height, और आपको घर के अंदर लेके चलते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो एक पाइप से देखिए। हम घर की मेन लॉबी में, लॉबी का राइट इज कंप्लीट गेस्ट एरिया, जिस पब्लिक एरिया, देन वी हैव सेमी पब्लिक, उसके बाद हमारे पास प्राइवेट जोन है। लॉबी बेसिकली लाइफ लाइन है पूरे घर का जिससे हम पूल की तरफ भी जा सकते हैं जैसे पार्टी एरिया लॉबी लिट होती है स्काईलाइट के साथ आप ऊपर देखेंगे तो साथ में लाइट उसमें अवेलेबल होती है लेट्स स्टार्ट विद द गेस्ट हाउस द गेस्ट एरिया हम वहाँ चलते हैं और वहाँ से बाकी घर का टूर लेते हैं अब हम घर के डाइनिंग रूम में घर के डाइनिंग रूम से भी वंडरफुल व्यू ऑफ पूल एंड पार्टी एरिया और डाइनिंग रिलेटेड है विद स्काईलाइट पूरा दिन हमारे पास नेचुरल लाइट फ्रॉम द पूल और स्काईलाइट इसमें रहती है डाइनिंग के बाद हम ड्राइंग रूम में हैं और ड्राइंग रूम से पहले ये हमारी कैजुअल लॉबी है व्हिच इज एंट्री टू द ड्राइंग रूम एरिया
उसके बाद हम मेन घर की तरफ जाते हैं। Now we are at the pool of the house, the place very close to my heart, in my opinion, best place in the house, which is visible from your lounge, master bedroom, study, the dining. Breakfast area bhi yahan par hai, party area bhi yahan par hai, aur family area bhi yahan par hai. Challenge ye tha design karte hue isko, ki isko private bhi rakhna tha aur sunlight bhi rehne di. To Teflon coated fabric humne isme use kiya hai, jo privacy hume deta hai, aur sunlight hume har waqt milti rehti hai, both in summers and winters. और पूरा बैठने के लिए और एक्टिविटी के लिए बहुत मज़ेदार सी जगह है ये। अब हम घर के लाउंज में, सुहेल सरवत का पूरा दिन ऑलमोस्ट लाउंज में गुजरता है, तो इसको बड़ा कुजी डिज़ाइन किया गया है, डबल हाइट के साथ डाइनिंग एरिया भी इसके अंदर है, बेसिक व्यू इसका टुवर्ड्स लॉन है और इसमें एक पूल टेबल भी है, और ये दोनों लोग पूरा दिन ऑलमोस्ट इस लाउंज में गुजारते हैं। Let's go to the lower portion, which is the guest bed and the gym. Aa jaa mere saath. Ab hum lower lobby mein hai. Right pe we have a guest bedroom, left hai hamara gymnasium with a casual setting. We are in the gym now. Gym hai, uske saath casual setting hai. और इसमें गेस्ट बाहर से भी आ सकते हैं और ये अंदर से भी लिंक हो सकता है। अगर बहुत से गेस्ट आपके पास आते हैं जिनको आपने घर के अंदर से नहीं लाना, उनके लिए स्पेशली स्टेयरकेस डिज़ाइन है, दे कैन कम फ्रॉम देयर और उनको इंडिपेंडेंट लॉन मिलता है बेसमेंट के अंदर। इस वक्त हम मास्टर स्वीट में हैं। ये सेटिंग कम स्टडी एरिया है जिससे पूल और एक्टिविटी एरिया विजिबल है। इसके राइट साइड पर हमारे मास्टर बेडरूम है और इस विंडो से आप पूरा लॉन देख सकते हैं इसका। इस वक्त हम मास्टर बेडरूम में है। मास्टर बेडरूम का फ्रंट जो है वो 180 डिग्रीज का व्यू है टुवर्ड्स लॉन, इंडिपेंडेंट टेरेस, और यहाँ से अप्रोच उनके अपने टेरेस के अंदर भी है। दिस एरिया लीड्स टुवर्ड्स द ड्रेसिंग्स एंड द वॉशरूम्स। लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर। One of the bedrooms at the first floor level with a breathtaking view of the valley. घर के फर्स्ट फ्लोर पे हैं, स्टेयर एरिया लिटेड विद अ स्काईलाइट, समर्स विंटर्स दोनों में हमें नेचुरल लाइट देता है। राइट पे इसके गेस्ट बेडरूम्स हैं, लेफ्ट एरिया इज डबल हाइट लाउंज, जो हम लाउंज भी देख सकते हैं और लॉन भी देख सकते हैं, प्लस द पूल टेबल एरिया है। मैंने अप्लाई किया था इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर में, और एडमिशन मेरा आर्किटेक्चर में हो गया। उस वक्त तक आर्किटेक्चर का मुझे कोई क्लू नहीं था कि आर्किटेक्चर में क्या होता है, बट बाय एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई रियलाइज कि ये बड़ा मज़ेदार प्रोफेशन है, एंड ड्यू टू विद वेरी गुड फ्रेंड्स लाइक इमरान साहब एंड अजमल साहब जो फाइनल ईयर में थे, उनका इंट्रैक्शन हुआ, काम देखा, तो फिर रियलाइज मैंने किया कि प्रोफेशन बड़ा अच्छा है और इसमें मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली ड्राइंग मेरी अच्छी थी, विद द पैसिव टाइम डेवलप किया उसको विद गुड फ्रेंड्स एंड गुड टीचर्स लाइक डॉक्टर शौकत महमूद, डॉक्टर महमूद हुसैन, और उसकी वजह से आर्किटेक्चर से शौक पैदा हो गया और विद द पैसिव टाइम वो बढ़ता गया, और आई थिंक अब मैं बिल्कुल ठीक प्रोफेशन में हूँ, मुझे आर्किटेक्चर ही करना चाहिए था। अबाउट दिस हाउस, सरवत और सोहेल दोनों जो हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अप्रोच किया इस घर को डिज़ाइन करने के लिए। ये रिटायरमेंट के बाद उनका फैमिली हाउस बनना था, आसान प्रोजेक्ट नहीं था, बिकॉज एक्सपोजर बहुत है, क्लाइंट का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत क्लियर थे अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में और नीड्स के बारे में। तो वी हैड अ फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग, पहला प्रपोजल एंड सेकंड प्रपोजल। बेसिकली वो चाह रहे थे कि जो पूल एरिया है ये उनके घर का सेंट्रल एक्टिविटी एरिया बने, पार्टी एरिया भी यही हो, सिटिंग एरिया भी यहाँ पे हो, नाश्ता भी यहीं पर करें, जकूजी भी यहीं पर हो, और ये सारे घर से विजिबल भी हो। तो दैट वॉज अ रियल चैलेंज फॉर डिज़ाइनिंग। इसको हमने डिज़ाइन किया विद द पैसिव टाइम डेवलप हुआ ये,
मटेरियल से बहुत डिस्कशन हमारी हुई, परमानेंट फर्नीचर पे हम गए ताकि इसकी मेंटेनेंस ना हो, बिकॉज पिंडी इस्लामाबाद में बड़ी हैवी मानसून रेन होती है और बड़ी शदीद सर्दी होती है, तो मटेरियल बहुत जल्दी डिटेरिएट करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सारे प्रोजेक्ट्स मेरे परमानेंट फिनिश में हो ताकि क्लाइंट को रेगुलर फर्नीचर ना करना पड़े उस पर। तो इस पर भी आपको नज़र आएगा कि पूरा घर इज स्प्लिट ब्लॉक और परमानेंट फिनिश में काम किया हुआ है। इवन जो कवरिंग है स्विमिंग पूल की, टेफ्लॉन कोटेड फैब्रिक जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, हार्डवुड यूज़ की हुई है और स्पेशलाइज्ड फ्लोर वुड यूज़ की हुई है। और आप देख रहे हैं इस घर को यूज़ होते हुए तकरीबन 2 साल प्लस हो गए हैं और ऑलमोस्ट बिल्कुल नया लगता है जैसे अभी इसको फिनिश किया है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्लाइंट का भी है, सोहेल और सरबत ने डिज़ाइन करते हुए मटेरियल सेलेक्ट करते हुए बहुत काम किया इसके ऊपर। और कादिर स्टूडेंट में जो टीम है हमारी, मैं उनका नाम भी ज़रूर लूँगा इसमें, अदनान ने बहुत काम किया इस पर, फुरकान ने बहुत काम किया। स्ट्रक्चर बहुत डिफ़िकल्ट था इसका, बिकॉज कोई भी चीज़ इसकी स्ट्रेट और एंगल पे स्ट्रेट नहीं है, एंगल पे है। तो शहजाद ने स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया, विच इज़ विजिबल फ्रॉम द आउटपुट। हमारे जितने भी डिज़ाइन हैं वो कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न है, मॉडर्न मास्टर्स चाहे वो लुई खान हैं और उनके साथ उस तरह का काम करना चाहता हूँ। आई होप कभी उस लेवल तक भी पहुँच सकेंगे। और पाकिस्तान के लिए मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि घर एयरी हो, वेल लिटेड हो, और किसी भी घर में आपको इवनिंग तक लाइट ऑन करने की रिक्वायरमेंट ना हो। नेचुरल वेंटिलेशन मेरे लिए, उसकी पोजीशनिंग और लिंक की जो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सो मेरी ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि क्लाइंट को आप वो घर दें जिसमें दे शुड फील कंफर्टेबल, क्लॉस्ट्रोफोबिक ना, स्पेशली हमारे रीजन में इस्लामाबाद और पिंडी बहुत शदीद गर्मी भी होती है, सर्दी बहुत होती है। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि वो घर आपके हर मौसम के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। बनजाएगा का मैं बहुत मशहूर हूँ, बिकॉज़ ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान में। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उनको ओपन करते हैं फॉर क्लाइंट्स, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द पब्लिक, और पूरी टीम इनकी बहुत मेहनत करती है, पूरा प्रोजेक्ट बड़ा प्रॉपरली कवर हो जाता है। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और विद द पैसिव टाइम ये और डेवलप होगा इंशाल्लाह। एंड ऑल द बेस्ट टू बनजाएगा टीम।